एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ, जो कि 2023 बैच के लिए थे। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल के बारे में। सबसे पहले मैं सेकंड राउंड का कट ऑफ बताऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को मॉप अप राउंड का कट ऑफ बताऊंगी। तो सेकंड राउंड के कट ऑफ में अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ओबीसी कैटेगरी गवर्नमेंट स्कूल कोटा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 485 मार्क्स पर क्लोज हुआ था। ओबीसी कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप की एक सीट अलॉट हुई थी 173 मार्क्स पर सेकेंड राउंड में, और ओबीसी कैटेगरी नॉर्मल स्टूडेंट को 511 मार्क्स पर पीपल्स मेडिकल कॉलेज की सीट अलॉट हुई थी। एससी कैटेगरी की हम बात करते हैं, एससी कैटेगरी 402 मार्क्स पर यहां पर सीट अलॉट हुई थी सेकेंड राउंड में, और एसटी कैटेगरी 314 नंबर पर सीट अलॉट हुई थी। हम बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 514 नंबर पर सीट अलॉट हुई थी। ये थे सेकेंड राउंड के कट ऑफ। अब हम बात करते हैं मॉपअप राउंड में पीपल्स मेडिकल कॉलेज का क्या सीन था। आप देखेंगे कि जनरली मॉपअप राउंड में कट ऑफ बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चों को पता चलता है कि इतने कम मार्क्स पर तो सीट मिल रही है, तो बच्चे मॉपअप राउंड में फिर रजिस्ट्रेशन करके या फिर पार्टिसिपेट कर लेते हैं और कॉलेज चॉइस फिलिंग में फिल कर लेते हैं। इनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से मॉपअप राउंड का कट ऑफ बढ़ जाता है। तो मॉपअप राउंड के कट ऑफ में पीपल्स मेडिकल कॉलेज में एनआरआई सीट 161 मार्क्स पर क्लोज हुई थी। ओबीसी गवर्नमेंट स्कूल कोटा 482 मार्क्स पर क्लोज हुआ था। एससी कैटेगरी गवर्नमेंट स्कूल कोटा 321 मार्क्स पर क्लोज हुआ था, और एसटी कैटेगरी नॉर्मल स्टूडेंट 312 नंबर पर। देखो, सीट ज़्यादा वेकेंट नहीं होती है मॉपअप राउंड पर, इसीलिए मॉपअप राउंड में ज़्यादा कैटेगरी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। जितनी कैटेगरी की सीट वेकेंट होती है, उतनी कैटेगरी में चॉइस फिलिंग आती है और सीट्स मिल जाती है। तो ये हमने देखा पीपल्स मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ। और भी कट ऑफ देखने के लिए आप इस पूरी सीरीज को देख सकते हैं, सारे कॉलेज में कवर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, काउंसलिंग से रिलेटेड सारी हेल्प आपको इस चैनल पर मिलेगी। बाय बाय, टेक केयर।